सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड दोस्तों, फाइनली रेडमी नोट 11 सीरीज़ चाइना में लॉन्च हो गया है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों स्मार्टफोन्स की एक एक करके फुल स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग एंड इंडिया लॉन्च डेट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। दोस्तों, रेडमी नोट 11 सीरीज नोट 10 सीरीज का सक्सेसर है एंड 11 सीरीज तीन अलग अलग वेरियंट्स में यहाँ पे देखने को मिले हैं। पहले रेडमी नोट 11, दूसरा नोट 11 प्रो एंड तीसरा नोट 11 प्रो प्लस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडमी नोट 11 प्रो एंड प्रो प्लस से। तो दोनों स्मार्टफोन्स में 6.67 इंचेस की फुल एचडी प्लस ओलेड पैनल का यूज किया गया है एंड इसमें 120 हर्ट्ज वाली फास्ट रिफ्रेश रेट का भी यूज किया गया है। साथ ही 360 हर्ट्ज का टच सैपलिंग रेट का भी सपोर्ट यहां पे देखने के लिए मिल जाता है दोनों स्मार्टफोन्स में। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन हमें दोनों स्मार्टफोन्स में देखने को मिल जाती है। यहां पर बैक में एंटी क्लेयर ग्लास का यूज किया गया है जो कि अगेन काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को लगता है। एंड जो डिजाइन है ना, वो कम्प्लीटली न्यू देखने को मिली है जो कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो दोस्तों, ओवरऑल ये स्मार्टफोन्स लुक्स एंड डिजाइन वाइज काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। साथ ही जो डिस्प्ले है ना, वो भी टॉप नॉच प्राइस सेगमेंट के हिसाब से यूज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, रेडमी नोट 11 प्रो में 5160 एमएच की बैटरी दी गई है जिसमें 67 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। अगर हम नोट 10 प्रो से कंपेयर करें ना, तो डबल कर दी गई है ऑलमोस्ट, और 40 मिनट में आपका स्मार्टफोन फुल चार्ज हो जाएगा। वहीं पर प्रो प्लस में 120 वॉट का सुपर फास्ट चार्जर मिल रहा है जो कि अगेन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। और यहां पर आपको 4500 एमएच की बैटरी दी गई है और सिर्फ 15 मिनट में आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा एंड चार्जर आपको बॉक्स में इंक्लूडेड मिल जाएगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ते और बात करते हैं इनकी परफॉर्मेंस को लेकर। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 920 चिपसेट का यूज किया गया है एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स इस बार वाईफाई 6 के कैपेबिलिटीज के साथ में आते हैं। तो भाई, इस बार Xiaomi ने इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। इसी के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.2 जो कि ब्लूटूथ वर्जन 5 का एडवांस वर्जन है, वो यहां पर यूज किया गया है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज नोट 11 प्रो एंड प्रो प्लस दोनों में ही डायमेंसिटी 920 5G चिपसेट का यूज किया गया है जो कि अपने इस प्राइस सेगमेंट में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन्स बन जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, प्रो एंड प्रो प्लस दोनों ही स्मार्टफोन्स में 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर का यूज किया गया है। लेकिन दोस्तों, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस में ड्यूअल OIS का सपोर्ट दिया गया है, तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन जो वीडियोस होंगी ना, वो काफी स्मूथ रहने वाली है। एंड अनदर कुछ फीचर्स की बात करें ना, तो दोनों स्मार्टफोन्स में 3.5mm हेडफोन जैक का सपोर्ट यहां पर दिया गया है। और साउंड क्वालिटी की बात करें ना, तो काफी ज्यादा इस बार इंप्रूवमेंट्स किया गया है। JBL का सिग्नेचर ट्यूब यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। साथ ही हाई रेस के साथ सर्टिफिकेशन है, डॉल्बी एटम्स के साथ सर्टिफिकेशन है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा यहाँ पर बेटर देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों, प्राइसिंग की बात करें तो रेडमी नोट 11 प्रो की चाइना की प्राइसिंग को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 18,717 रुपीज होता है जो कि इसका बेस वेरिएंट की प्राइस है। एंड रेडमी नोट 11 प्रो प्लस का बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 22,200 रुपीज से। बट मैं आपको बता दूं, GST वगैरह ऐड करके ये स्मार्टफोन में आपको 2 से 3 हजार रुपया एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएंगे। अब सीधे बात करते हैं रेडमी नोट 11 की, तो इसमें भी आपको फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल दिया गया है जिसमें 90 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है एंड ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ में आते हैं। साथ ही डायमेंसिटी का 810 5G पावरफुल चिपसेट का यूज किया गया है। और अब रेडमी नोट 11 की बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको 5000 एमएच की बैटरी दी गई है जिसमें 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। यहां पर अगर कैमरास की बात करें ना, तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर और शायद से एक और सेंसर देखने को मिल सकता है। साथ ही 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर का सपोर्ट यहां पे दिया गया है। एंड फाइनली रेडमी नोट 11 की इंडियन प्राइसिंग की बात करें तो 14,000 to 15,000 तक ये देखने को मिलेगा। बाकी मैंने आपके साथ इन स्मार्टफोन्स की स्पेक्स शेयर कर दी है, बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन स्मार्टफोन्स को लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करना, फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे किसी और टॉपिक्स के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।